कि आपने अठारह साल के इस जर्नी में कई सारे पेरेंट्स आप मिले हो कई सारे पेरेंट्स की कई सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी होगी तो उसमें से सबसे मेजर प्रॉब्लम्स जो दिख के आती है जो आज भी रिलेवेंट है बहुत ज्यादा वो क्या क्या है जो पेरेंट्स फेस कर रहा है ताकि वो फेस ना करें आई थिंक सबसे जो हाइएस्ट आता है वो आता है बच्चों का एंगर एंड टेंट्रम्स या बच्चों की जो रॉन्ग डिमांड्स होती है उसको हैंडलिंग करना नंबर टू पे मैं रेकमेंड करूँगा ये कहूँगा मोबाइल एडिक्शन और द स्क्रीन एडिक्शन थर्ड थिंग होती है बच्चों का स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है बच्चों को लिखना कंपैरेटिवली पसंद नहीं है हम्म या फिर बच्चे कंपैरेटिवली आजकल हाइपर एक्टिव बहुत ज्यादा हो रहे हैं हम्म या एलडी या एडीडी स स्टडी रिलेटेड या अटेंशन से रिलेटेड फोकस रिलेटेड प्रॉब्लम कंपैरेटिवली काफी ज्यादा आजकल के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है और उसके अलावा जैसे भाई बहन है तो उसके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है या मम्मी पापा की बात सुनते नहीं है हाँ। या घर में दादा दादी फेवर कर देते हैं तो फिर वो उनकी बात ज्यादा सुनते 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 हैं हैं बाप की की नहीं सुनते पापा की नहीं मम्मी पापा तो ऐसे काफी सारे चैलेंजेस रहते हैं राइट बट मोर और लेस आई थिंक मुझे लगता है ये छह से सात प्रॉब्लम सबसे ज्यादा पेरेंट्स यही सात चीजें फेस करते हैं राइट आपने जो सबसे पहला बोला बोले अब एक काम करते हैं भिक करके थोड़ा और डेप्थ में अलग अलग एंगल से इनको देखते हैं और ये जो प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं उनको कैसे हैंडल हम कर सकते हैं वैसे देखते हैं जैसे आपने पहला बोला एंग, एंगर टेंट्रम मैंने भी कई बार देखा ये चीज़ अभी बाजू में मॉल है कई बार मैं देखता हूँ पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हो इतना चिल्ला रहा है बच्चा इतना कुछ कर रहा है ज़मीन पर लेट रहा है चिल्ला रहा है कि उसको कुछ चाहिए कुछ चाहिए और बच्चे कई बार अब ऐसे सिचुएशन में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उसको मारना चाहिए या फिर नहीं मारना चाहिए वो पूरा सीन क्रिएट होता रहता है एम्बेसमेंट भी होता है आई थिंक पेरेंट्स लोगों को वो सब चीज़ें और फ्रस्ट्रेट कराती होगी आसपास वाले लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे ये आतंकवादी है <laughs> तो या बच्चों को नुकसान कर रहा है ऑफ हिटलर टाइप के हैं हाँ हाँ। जो बच्चों की केयर नहीं कर रहे हाँ। या फिर ऐसा भी लगता है कि बच्चे बहुत है। ऐसा लगता है माँ बाप कुछ कर रहे नहीं है ऐसा भी मतलब आता है कि right. कुछ संभालो उसको क्या कर रहे <laughs> हैं right. मतलब so ऐसा ये जो एंगर होता है पहली बात क्यों होता है जब भी बच्चा कोई भी चीज़ वस्तु करता है माने उसका एम है कि मुझे चॉकलेट चाहिए या टॉय चाहिए समथिंग आइसक्रीम ये तीन चार चीज़ों में से कोई एक वस्तु चाहिए जब वो चीज़ वस्तु के लिए उसने डिमांड किया एंड मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि मम्मी पापा क्या करते हैं पहली बार में मना कर देते हैं मैक्सिमम टाइम कि बेटा चॉकलेट नहीं खाना ये नहीं ये नहीं फिर नाउ अब बच्चा क्या उसके पास दूसरा अल्टरनेट क्या है हम लॉजिकली बात कर सकते हैं बच्चे के पास अभी तक उसका जो काइंड ऑफ प्री फ्रंटल है वो डेवलप नहीं हुआ है जो लॉजिकल एंड रीजनिंग के लिए काम करेगा सो उसके पास अभी एक ही रास्ता है क्या मैं या तो मेरी आवाज़ को रेज करूँ या फिर मैं रोऊँ तो ही मैं मम्मी पापा से मेरी बात मनवा बनवा पाऊंगा सो मे भी इमोशनल करना या कई बार अपने शायद सुना आप अच्छे मम्मी पापा नहीं हो राइट ऐसा बच्चा बोल देता है हाँ हाँ हा। मम्मी पापा प्यार, प्यार नहीं करते हो हाँ, कर ऐसा करके वो एक्चुअली करना क्या चाह रहा है अपना काम निकलवाना चाहता है सो so, मम्मी को कई बार हर्ट होता है बिकॉज़ इज़ मोर इमोशनल उसको लगता है यार मैं अच्छी मम्मा नहीं हूँ बट दैट इज फॉर टेम्पररी दैट इज फॉर चॉकलेट ऑनली अभी चॉकलेट मिलेगा एट अ वेरी सेम टाइम वो नेक्स्ट सेकेंड पर बच्चा वही बोलेगा आप दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मा हो सो दैट इज़ टेम्पररी फेज़ ओनली सो उसके अंदर बच्चे का प्रोग्रामिंग हो रहा है कि मैंने जब ज़िद करी मैंने जब ऊंची आवाज़ में बात करी मैंने जब गुस्सा किया तो मम्मी पापा ने मुझे दिलाया अब ना हो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि हमारा वो गुस्से को लेकर इतना टॉलरेंस डेवलप हो गया है तो ज़्यादातर मम्मी पापा तब तक उसको नहीं मनाते या तब तक बात नहीं मानते बोलते नहीं चलेगा अब नाउ बच्चा क्या करेगा अब यहाँ तक बात नहीं बनी अब बच्चा क्या करेगा और बढ़ाएगा अब मम्मी पापा ने इतना बढ़ने के बाद अब वो चीज़ उसको दिलाई अब थर्ड टाइम में क्या होगा बच्चा मे बी पैर पछाड़ेगा मॉल में या रास्ते पे सो जाएगा वो शो कर रहा है कि बच्चे ने जब पहले टेंट्रम थ्रो किए थे तभी उसको चीज मिली हुई थी सो नाउ अब इसका सॉल्यूशन यदि मैं कहूँ तो वेरी फर्स्ट थिंग

सो so, समो बच्चे हमारी साइकोलॉजी ज्यादा ज्यादा जा, स्मार्ट, स्मार्ट ज्यादा होते हैं बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं सो इन दैट सिचुएशन वेरी फर्स्ट थिंग कि हम क्या करें बच्चा जब भी कोई चीज़ वस्तु मांगता है तो उसी समय पे हम उसको अटेंशन दें टेक्निकली दस में से चार या पांच चीज़ें बच्चे के लिए जेन्यून होती है ज़रूरी होती है वो चीज़ हम इमीडिएटली दिलाए पहली बार में जैसे कि एग्जाम्पल फॉर एन एग्जाम्पल बच्चे ने बोला कि मुझे कलर चाहिए या मुझे ये चाहिए और हम बिजी हैं तो हम क्या बोलते हैं नहीं बाद में बट उस समय पे मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए कलर करना या समथिंग कुछ ज़रूरी है वो चीज़ वस्तु तो मेरा काम छोड़ते हुए मैं उसको पहले लेके उसको दे दूँ सो so, उसका प्रोग्रामिंग इज वॉट मैं शांति से कहूँ तो भी मेरी बात मानी जाती है वेरी फर्स्ट थिंग नाउ सेकेंड थिंग कुछ चीज़ें वैसी होगी जो बच्चा डिमांड करता है बट अभी उसके लिए ज़रूरी नहीं है सो so, मम्मी पापा क्या करते हैं उसके लिए भी मना करते हैं बट उसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन हमें बोलना चाहिए बेटा हम आपको नेक्स्ट वीक में दिलाएंगे बेटा हम आपको एक महीने के बाद दिलाएंगे बेटा अभी नेक्स्ट वीकेंड में आपको ये चीज़ मिलेगी सो so, थोड़ी चीज़ें होगी जो नाव पे होगी थोड़ी चीज़ें होगी जो लेटर पे होगी एंड टू टू थ्री थिंग्स होनी चाहिए जो पर्टिकुलरली हम बच्चे को बोल दें कि बेटा ये आपको नहीं मिलेगा सो so, बच्चे का ना सुनना भी ज़रूरी है और बच्चे का हाथ सुनना भी ज़रूरी है और बच्चे का वेट करना भी ज़रूरी है तभी उसके माइंड के अंदर जो काइंड ऑफ न्यूरॉन्स का कनेक्शन बनेगा वो तीनों कंडीशन के लिए रेडी होगा सो so, दस में से चार या पांच चीज़ें हम बच्चे को दिलाए दो तीन चार चीज़ें डिले करें दो तीन चार चीज़ों के लिए मना करें नाउ नंबर टू ऐसा करने के बाद भी यदि बच्चे ने टेंट्रम थ्रो किया रोया तो हमें क्या करना चाहिए हमें बोलना चाहिए बेटा आपका सो इन सो फॉर एन एग्जाम्पल हज़ार रुपये का बजट है यू कैन चूज़ एनी जो हज़ार रुपये में आए बेटा राइट right? अदरवाइज इससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है वैसा करते हुए हमें वहाँ से जस्ट खाली यू टर्न ले लेना चाहिए और वहाँ से चलते बनना चाहिए यदि प्रॉब्लम तब होगा जब हमने फिर से यू टर्न मारा और बच्चे को पीछे से देखा सो so, बच्चा हमारी साइकोलॉजी को हमसे ज़्यादा जानता है यदि हम गए गए थोड़े आगे गए थोड़े आगे गए थोड़े आगे गए गारंटी के साथ बच्चा पहले रोना बंद करेगा या फिर थोड़ा और ज़्यादा रोएगा और ज़्यादा रोएगा रोने के बाद देखेगा कि मम्मी पापा का क्या रिएक्शन है और यदि मम्मी पापा ने मुड़ के देखा तो जो उसने मांगा चीज मिल जाएगी जीत गया बट यदि मम्मी पापा सीधे सीधे चलते गए और उसको जो जो दिन रियल जो समय पे रियलाइज हुआ कि यार मेरी चीज नहीं मिलने वाली आंखें साफ करते हुए तिवर दौड़ता हुआ बच्चा पीछे पीछे आएगा इन बोलेगा ठीक है हजार रुपए का तो बजट है ना वो तो मुझे दो नेगोशिएट करना नेगोशिएट करना चालू करेगा सो यहाँ पर हमें क्या करना है फॉर्म रहना है और फेयर रहना है ओके फर्म एंड फेयर यदि हम फ्यूरियस हो गए मैंने गुस्सा हमने कर दिया हम पीछे पलट के यदि हमने बच्चों को आंसर देना शुरू कर दिया तो मे बी आस वाले लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी थोड़ा सा एम्बेसिंग वाला मोमेंट हो जाता है राइट right. और ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जब हम मतलब दे ही नहीं सकते जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जिद कर लिया है चॉकलेट ही खाना है मतलब ये कुछ गंदा ही चीज़ खानी है राइट right.